अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यूएसडीटी से क्वाइंस को बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो को मैंने बना दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगी और आपको उससे समझ भी आ चुकी होगी यूएसडी के थ्रू बाइनेंस में बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाय और सेल करना है। अब यूएसडी का फायदा क्या होता है कि आपकी जो, अगर आपने लेट्स सपोज कोई टोकन बाय किया है ट्रॉन, उसको अगर आप यूएसडी में कन्वर्ट करके रख लेते हैं तो उसकी प्राइस स्टेबल रहती है। अगर $1 का तो $1 रहेगी। अगर लेट्स सपोज आपने ट्रॉन लिए हुए $50 के, तो ट्रॉन के जब प्राइस डाउन जाएगी तो आपके $50 कम शो होंगे, लाइक 45। अगर अप जाएगी तो 55 शो होंगे। ये मैं सिर्फ आपको जो है एक मिसाल दे रहा हूँ आपके आपको समझाने के लिए। अगर आपने यूएसडी में कन्वर्ट करके रखा होगा तो वो स्टेबल क्वाइन है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा। मतलब बाइंग जो अगर ऊपर जा रहा है या क्वाइन नीचे आ रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी समझने में तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको समझा दूंगा दोबारा। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑर्डर प्रेफरेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं। ऑर्डर प्रेफरेंसेस में ऐसा है कि मुझे एक यूजर ने मैसेज किया था कि सर बाय लिमिट और सेल लिमिट तो बता दी, हमें बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही बाइनेंस के अकाउंट में, तो वो कहाँ से आएगी। उसी की इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ से आपने यूज करनी है। बाइनेंस के अकाउंट को जाके आपने लॉग इन कर लेना है। जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने ई मेल में जाता हूँ और यहाँ से जाके वो लॉग इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आप ऑर्डर प्रेफरेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करता हूं यहां से। लॉगिन करने के बाद मेरे पास मेरा कोड आ गया है। कोड जो है मैं एप्लीकेशन का दूंगा, गूगल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन का कोड दूंगा ताकि मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकूं। एप्लीकेशन मैंने ऑन कर ली अपने मोबाइल में और यहाँ पे मैं जाकर कोड इंटर कर देता हूँ। कोड इंटर कर दिया मैंने, अब मेरा अकाउंट मेरे सामने जो है लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट मेरे पास लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपने जो है अपने प्रोफाइल एरिया में जाना है। प्रोफाइल एरिया में जाना है आपने। प्रोफाइल एरिया कहाँ से, ये है जो राउंड सेवन है, प्रोफाइल एरिया कहते हैं। इसकी सिक्योरिटी में आपने चले जाना है। सिक्योरिटी में जब आप चले जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, गूगल ऑथेंटिकेशन, SMS ऑथेंटिकेशन, ईमेल, ये वो, पासवर्ड चेंज, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होंगी। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेड प्रेफरेंसेस का, तो उसके लिए हम करेंगे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखें लिखा प्रेफरेंसेस, आपने इसको क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर कन्फर्मेशन, इफ द ऑर्डर रिमाइंड फंक्शन इज इनेबल इट विल नीड टू बी रिकन्फर्म एवरी टाइम ऑर्डर इज द सबमिटेड। ये अगर कह रहे हैं आप इनेबल कर देते हैं तो ऑर्डर कंफर्म करेगा आपको एक दफा दोबारा ऑर्डर प्लेस होने से पहले। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखें कौन सी हैं। लिमिट ऑर्डर ऑफ है, हम इसको ऑन कर लेते हैं। मार्केट ऑर्डर ऑफ है, ऑन कर लें। स्टॉप लिमिट ऑर्डर पहले से ऑन है। ऑटो बारो रीपे ऑफ फॉर मार्जिन ये भी ऑन है, ये आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन साइड नोटिफिकेशन वंस इनेबल यू विल रिसीव रिलेवेंट नोटिफिकेशन विद इन ऐप विद एंड वेबसाइट एक्टिविटी, ठीक है आपने ऑन कर देना है। ट्रेड नोटिफिकेशन ये भी आपको चाहिए, इसको ऑन रखना है। बाइनेंस की न्यूज़ आपको चाहिए अपने मोबाइल पे तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। बाइनेंस की न्यूज़ का फ़ायदा क्या होगा आपको, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि आपको बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी या किसी भी कॉइन के रिलेटेड न्यूज़ होंगी तो आपको शो होती रहेंगी। अब देखिए मैं इसको अगर ऑफ करने जा रहा हूँ तो मुझसे कोड मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कोड दे देता हूँ जाके ताकि हम इसको ऑफ कर सकें। ये देखिए ऑफ हो गया। सिस्टम मैसेजेस चाहिए आपको, जी बिल्कुल चाहिए। प्रमोशन बाइनेंस विल सेंड यू प्रमोशन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटी वी आई ई मेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कह रहे हैं कि बाइनेंस जो आपको
इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू मार्केट एक्टिविटीज़ और टाइम टू टाइम आपके ईमेल पे प्रमोशन से रिलेटेड आती रहेगी इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं हम ईमेल पुश नोटिफिकेशन। खैर ये हमने चीज़ें ऑन करनी है, बाइनेंस न्यूज़ आपने ऑन करना है, सेम उसी तरह ना करना है, करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा, आपने यहाँ पे जाके कोड दे देना अगर आपने टू एफ ए वेरीफिकेशन ऑन की हुई है। कोड देने के बाद आपका इनेबल हो जाएगा, डेट नोटिफिकेशन इनेबल, एक्टिविटीज इनेबल। तो प्रीफ्रेंस से रिलेटेड छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने ट्रेड प्रीफ्रेंस से रिलेटेड या ऑर्डर कंफर्मेशन से रिलेटेड अपनी सेटिंग को चेंज करना तो यहाँ से जाके आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि मेरी नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी कल के एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।